भारत को नई संसद मिल गई है। पीएम मोदी ने कल इसका उद्घाटन भी कर दिया। इस नई संसद को जिस खूबसूरती से बनाया गया है वो वाकई अपने आप में काबिले तारीफ है। इसकी दीवारों पर कई मनमोहक आर्टवर्क, पेंटिंग्स और म्यूरल्स लगाए गए हैं। कुल मिलाकर कहें तो प्राचीन इतिहास को बड़े ही शानदार तरीके से दिखाया गया है। कल से ही नई संसद की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। लेकिन इनमें से एक तस्वीर ऐसी है जो चर्चा का विषय बन गई है। लोग इस तस्वीर की काफी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इस तस्वीर में ऐसा क्या है, चलिए आपको बताते हैं। तस्वीर में संसद भवन की दीवार पर अखंड भारत का नक्शा बनाया गया है। यह आजादी और विभाजन के पहले का नक्शा है। लोगों के बीच इस नक्शे को लेकर बातें हो रही हैं। कुछ ने तो इसे आरएसएस के दिए गए अखंड भारत का कॉन्सेप्ट बता दिया। वहीं इस नक्शे की फोटो कई बीजेपी नेताओं ने भी शेयर की है। संसद भवन के अंदर की दीवारों पर भारत के पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और अम्बेडकर के साथ चाणक्य का एक चित्र है। इसके अलावा भी कई ऐसे आर्टवर्क हैं जो बरबस ही आपको इसे देखने के लिए मोहित करते हैं। इन सब के बीच अखंड भारत के नक्शे की तस्वीर पर लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। इस नक्शे में प्राचीन समय के महत्वपूर्ण साम्राज्यों और शहरों को दिखाया गया है। नक्शे में वर्तमान पाकिस्तान में स्थित तक्षशिला तक को दिखाया गया है। नक्शे के पास में ही एक पत्थर है जिसमें पुराने शिलालेख से लिखा गया एक लेख भी है। वहीं बगल में दूसरे पत्थर में प्राचीन काल की मूर्तियां भी बनाई हुई हैं। भाजपा के संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट करते हुए कहा कि संकल्प स्पष्ट है, अखंड भारत। भाजपा की कर्नाटक इकाई ने नए संसद भवन के अंदर प्राचीन भारत, चाणक्य, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बी.आर. अम्बेडकर और देश की सांस्कृतिक विविधता के भित्ति चित्रों सहित कलाकृतियों की तस्वीरें साझा की। भाजपा की कर्नाटक इकाई ने अपने ट्विटर हैंडल पर कहा, यह हमारी गौरवपूर्ण महान सभ्यता की जीवंतता का प्रतीक है। मुंबई उत्तर पूर्व से लोकसभा सदस्य मनोज कोटिक ने ट्विटर पर कहा, नई संसद में अखंड भारत, यह हमारे शक्तिशाली और आत्मनिर्भर भारत का प्रतिनिधित्व करता है। वीडियो डेस्क, NBT ऑनलाइन।